आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देन यहां पे दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो हमें ग्रेटेस्ट एंगल ढूंढना है। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल एबीसी है और ए एंगल का ऑपोजिट जो साइड है वो स्मॉल है और उसको ले लिया हमने 8। और यहाँ पर बी एंगल जो है उसका ऑपोजिट साइड ले लिया बी, स्मॉल बी, उसका वैल्यू हो गया 10। और जो सी एंगल है उसका ऑपोजिट साइड हो गया स्मॉल सी और उसका वैल्यू हो गया 12। तो यहाँ पे हमने ये सब एज्यूम कर लिया। अभी हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल को ढूंढना है। तो पहले हमें कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी इन वैल्यूज को स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से निकालना है। फिर चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू किस रेंज में है और उससे हमें पता चलेगा कौन सा एक ग्रेटेस्ट एंगल है। तो पहले वैल्यूज को देख लेते हैं। तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी। तो वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं। तो 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लीड बाई 10 एंड 12, तो 120। अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 10 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर ये हमें दे रहा है 100 एंड 144, मतलब 244। 8 स्क्वायर का मतलब हो रहा है 64। तो हमें नीचे मिला 240। तो 64 44 से जाएगा तो 180 बाई 240। अब इसको 60 से क्रॉस आउट करेंगे तो 60 से 3 आएगा ऊपर, नीचे 4 आएगा, 60 से किया क्रॉस आउट। अब हमें यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू मिल चुका है। अब हमें क्या ढूंढना है, कॉस बी का वैल्यू। तो कॉस बी को सेम ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला होगा। यहाँ पर बी दिया है, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए सी, ये फॉर्मूला हो गया। वैल्यूज को प्लेस करना है। तो हमें मिला 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। और यहाँ पर 2 ए सी में 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 12, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 96, 8 एंड 12 96 होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 8 स्क्वायर हो गया 64, 12 स्क्वायर हो गया 144। तो दोनों को मिलाएंगे तो 140 एंड 64, दैट इज 208। एंड 100 यहाँ पर 10 स्क्वायर के लिए, 296 यहाँ पर क्या देगा, 4, दैट इज 8, 192। तो यहाँ पर हमें मिला 108 बाई 192। अब इसको कैसे किसके साथ क्रॉस कर पाएंगे, तो 8 के साथ तो नहीं होगा, तो 4 लेंगे तो 27 और नीचे आएगा 4 एंड 2 8, तो दैट इज 48। अब हमें 27 बाई 48 मिला, इसको भी क्रॉस आउट कर सकते, 3 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे 16, तो यहाँ पर आ गया 9 बाई 16, ये कॉस बी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या लेना है, कॉस सी का वैल्यू। तो यहाँ पर कॉस सी के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, हमें कॉस सी इसको सी दिया है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ पर a एंड b क्या दिया है, 8 एंड 10। तो 8 एंड 10 को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बाई 2 8 10। इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 280, 2 मल्टीप्लीट बाई 80। और 8 स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया 100, तो 164 माइनस 144 और यहाँ पर हमें मिला 160। तो ऊपर मिला 20, 20 बाई 160, दैट इज 1/8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें तो कॉस से मतलब रेशियो का वैल्यू मिला, कॉस ए कॉस बी कॉस से, पर हमें ए बी सी का रिलेशन चाहिए। तो हमें पहले कॉस किसी भी कॉस एक्स, मतलब एक्स दिया तो कॉस एक्स का रेंज जानना पड़ेगा। तो हमें पता है कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक रहता है, माइनस वन से लेके वन तक। और ये हमने सी ए बी सी की क्या लिया था, ये तो एक ट्राइंगल है तो इसका मिनिमम वैल्यू तो जीरो होना ही है, पर जीरो एंगल नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा और पाई भी नहीं हो सकता, तो जीरो से पाई तक वैल्यू रहना है किसी भी एंगल को लेने में। और हम देख सकते हैं एक्स का वैल्यू अगर जीरो से पाई हुआ तो उसका वैल्यू माइनस वन से वन रेंज रेंज में रहेगा। और कैसे ये चेंज होता है, मतलब अगर हमने स्टार्ट किया जीरो से लेके एक्स के लिए और पाई बाई टू तक गया तो कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, वन से स्टार्ट होगा और जाएगा जीरो तक। फिर पाई बाई टू से हमने पाई तक ट्रेवल किया तो हमें जीरो से माइनस वन तक मिलेगा, मतलब इस रेंज में हमें पॉजिटिव मिल रहा है और इस रेंज में नेगेटिव मिल रहा है। पर देख सकते हैं जितना नेगेटिव की तरफ जाएगा एंगल का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि इन तीनों में जिसका वैल्यू सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट एंगल उसी का होगा। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर 3/4, 9/16 एंड 1/8, इन तीनों है तो हमने यहाँ पर ले लिया 3/4, 9/16 एंड 1/4। अब चेक करना है कौन सा यहाँ पर तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 4/4 16 एंड 3/4 12,
9 बाई 16 तो 9 बाई 16 रखेंगे और इसको करेंगे 4 बाई 16। अब देख सकते हैं जितना वैल्यू हमें छोटा होता जाएगा यहाँ पर, मतलब 1 से लेके माइनस तक जा रहा है उतना बड़े एंगल मिलेगा। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 1 बाई 4 जो है, तो हमें देख यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी ये 1 बाई 8 होना था, हमने यहाँ पर सो जस्ट चेंज करके 1 बाई 4 को 1 बाई 8 कर दिया और ये 2 बाई 16 हो गया। तो चेंज नहीं, कुछ नहीं हो गया, ये और छोटा हो गया। तो ये जो एंगल था कॉस सी का, ये हमें देगा सबसे बड़ा एंगल, और ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस सी का वैल्यू हमने 1 बाई 8 लिया था, तो हमें मिलेगा कॉस सी इज इक्वल टू 1 बाई 8। तो एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी कैपिटल सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।